नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के बड़े और पुराने मार्केटों में से एक, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, ये चांदनी चौक पे हूं। और चांदनी चौक का ये लाजपत राय मार्केट है जो बहुत ही पुराना है। और यहाँ मेरी मौजूदगी जो बजट आया है उसको लेकर है। बजट में जो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ डिस्काउंट हुआ है। आपको पता होगा कि मोबाइल में भी छूट हुई है, मोबाइल की कीमत कम होगी, उससे जुड़े हुए कितने सामान होते हैं उस पर भी छूट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मार्केट दिखाना चाहूँगा। देखिए ये मार्केट है, काफ़ी बड़ा है, हज़ारों शॉप है यहाँ पे, लाखों यहाँ पे लोग काम करते हैं, दुकानदार हैं, छोटे भी बड़े भी, अलग अलग तरह के यहाँ पे व्यापार है। हर तरह का चीज़ यहाँ पे मिलता है, चाहे वो रेडियो से जुड़ा हो या टीवी से जुड़ा हुआ हो या अन्य तरह के मोबाइल या अन्य सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हम आज बात करेंगे। और मेरे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद हैं कई व्यापारी, यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो इस बार बजट आया है उसमें जो छूट मिल रही है तो क्या उससे ग्राहकों को, यानी चाहे वो रिटेल ग्राहक हो या जो होलसेल दुकानदार, उनको क्या क्या छूट मिलने वाली है और कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, इसको लेकर हम बात करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं लाजपत राय मार्केट के संजय नागपाल जी। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप मुझे कि जो इस पर बजट आया है वो कैसा है, पहले ये बात करते हैं। देखिए, बजट की अगर हम बात करते हैं तो एज ए व्यापारी हमारे लिए कोई ज़्यादा फायदे की बात नहीं है। अगर हम छोटी मोटी बातें करें कि MSME पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। इससे स्किल्स बढ़ेंगी और उसके दायरे को बढ़ाया गया है कि जो यंग बच्चा या कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपनी छोटी यूनिट को बनाना चाहता है तो वो पहले उसको 10 लाख तक का लोन मिलता था, अब वो 20 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। तो वो अपना परिवार को पाल पाएगा और जस्टिफाई कर पाएगा। और बाकी अगर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन के अंदर तो कोई चेंज आया नहीं, ना GST में ना कुछ है। हमारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये हमारी, आप ओल्ड लाइब्रेरी मार्केट में आप खड़े हैं जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी मार्केट कहलाती है, जो विश्व की, एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। 28% LED TV के ऊपर आज भी GST है। 32 इंची से ऊपर के जितने भी TV हैं सबके ऊपर 28% GST है। जबकि हमने बार बार डिमांड की है कि 18% GST 32 इंच, 24 इंच, 18 इंच, 12 इंच पे है तो उसको भी 18% कर दिया जाए। आज अगर कोई व्यक्ति अगर टीवी को बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो इस पे ही 18% और यहाँ का लोकल मेक इन इंडिया यूनिट है वो 28% GST दे रहा है। तो काहे को ये इंडस्ट्री को हम खराब कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को भी 18% करके जो zigzag है, जो कन्फ्यूजन है, उसको खत्म किया जाए, 18% पे कर दिया जाए, ताकि वो जो मेक इन इंडिया के यूनिट्स हैं हम उनको आगे बढ़ा सकें। जिन्होंने करोड़ों रुपया मोदी जी के कहने के बाद, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जाइए सर, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, मैं तो दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे LED के यूनिट्स लग चुके हैं, उस यूनिट को 18% GST किया जाए, जो नहीं किया गया, हमारी डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया गया। हम ये जानना चाह रहे थे कि दर्शक ये जानना चाह रहे कि जो इम्पोर्ट का जो चार्जेज होता है जो 20% से 15% के, तो उसको क्या क्या इफेक्ट पड़े, किस किस कौन कौन सामान सस्ता हुआ है? देखिए मोबाइल के सस्ता होगा, अभी हुआ तो नहीं, सस्ता होगा। देखिए मोबाइल की जो अनाउंसमेंट्स हुई है, मोबाइल सस्ता होगा, मोबाइल की एसेसरीज सस्ती होंगी, लिथियम बैटरी सस्ती होगी, मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे, वो देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज इनिशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, बहुत बड़ी ट्रेड है सर ये। बेसिकली तो ये है कि हम कानून के अंदर हम सरलीकरण की बातें करते हैं, अभी सरलीकरण की कोई बात इस बजट से हमें नहीं मिली है, वो हमें मिलनी चाहिए थी जिससे कि हम आगे बढ़ा पाते। सरकार तो लगातार बढ़ावा देती रहती है कि जो घरेलू उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, लोगों तक पहुंचे। और आप दूसरे तरफ ये भी है कि आप लोग कह रहे हैं कि बाहर से जो इम्पोर्ट होकर आता है तो उससे काफी कुछ फर्क पड़ता है, तो यानी कि जो घरेलू जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बेहतर और सस्ते नहीं हो पाते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। अगर हम अब अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो जब मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की थी 2014 में जब आए थे, तो 1996 में हमारे पर सबसे पहली ट्रेड हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड थी जिसके ऊपर चाइना ने आघात किया था। सबसे पहले हमारी ट्रेड को उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। तो वो जो इतना टाइम का जो गैप था, जो हम मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर या इम्पोर्टर बन गए थे, 2014 में मोदी जी ने जब अलग जगाई तो हमने दोबारा इंडस्ट्री लगानी शुरू की। आज अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो 80% आज हम मेक इन इंडिया पे आ चुके हैं। यस सर, दिस इज द वेरी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मोटिवेशन देने में मोदी जी जैसा कोई नहीं। इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, नीचे के ऑफिसर्स क्या कर पा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर 100% जो मोदी जी कह रहे हैं अगर वो इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर हो जाए, हम मेक इन इंडिया के परचम को पूरे विश्व में फहरा देंगे। प्रैक्टिकल शेप चाहिए सर।
लेकिन 28 और 18% का प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो रहा ना। वो एलईडी टीवी में है, मैंने आपको मन की बात बता दी, प्रैक्टिकल बात है, इसको तो 28% से 18% होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम आएगा, एलईडी इंडस्ट्री सेंट्रलाइज हो जाएगी, उसमें साइजेस का चक्कर खत्म हो जाएगा। होता क्या है, जब ये टैक्सेशन का चक्कर आता है उसके अंदर हम एक चोरी का रास्ता निकालते हैं, उस चोरी का रास्ते को ऑफिसर शाही कभी भी नहीं खत्म करेगी। अगर 18% हो जाएगा तो उनका बीच का रास्ता खत्म हो जाएगा। सर आप यहाँ के व्यापारी के साथ अगर 100% प्योर नहीं हो तो सर व्यापारी को तुम चोर कहने में देर नहीं लगाते हो। मैं तो चाहूंगा कि आप डायरेक्ट जो हमारे दर्शक के साथ साथ जो मिनिस्टर भी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप उनको बताइए डायरेक्ट। सर व्यापारी के साथ 100% प्योर आ जाइए, व्यापारी 100% प्योर है। बात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की नहीं है, किसी भी ट्रेड में जाइए, व्यापारियों को हमेशा चोर कहा जाता है, लेकिन बीच का रास्ता बंद कीजिए। एलईडी टीवी के अंदर 28% का जो जीएसटी है उसको 18% स्लैब रेट कर दीजिए। जो 32 इंच से नीचे के साइज है उसमें 18% है, 32 इंच से ऊपर जो 85 इंचेस तक 100 इंच तक हमारे यूनिट बनाने में सक्षम है। वी आर मेकिंग एयर बट वी आर गिविंग जीएसटी 28%, जिस कारण से कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, टीवी महंगे है। मेक इन इंडिया जब बिकेगा तो हमारा रेवेन्यू हमारे घर में ही रहेगा और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो इसलिए हमें सरकार का सहयोग चाहिए। सिंपल सा सवाल लास्ट का आपसे पूछ रहे हैं, जो आया है बजट कैसा है? देखिए व्यापारी तो हमेशा एक सब की बात करें, व्यापारी हमेशा पॉजिटिव सोच रख के चलता है, लेकिन मन की कसक भी आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो हुआ है, ये जो हमें उम्मीदें थी उस उम्मीद के ऊपर 100% वो पॉजिटिविटी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिएगा। अरुण तुली, ऑनलाइन मार्केट से। सर वो तो है, शॉप क्या चीज का है, क्या बिजनेस का? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम है, और जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला एलईडी टीवी के बारे में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है 28% जीएसटी में प्रोडक्ट बिकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से जीएसटी आया तो सरकार ने बार बार एक ही बात कही थी, अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम इसको जीएसटी को कम करेंगे। पर कम तो क्या होना है कि प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो गया, जब बाहर के प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा तो यहाँ का कैसे बिकेगा? मेक इन इंडिया तो हम ला रहे हैं, और उसका प्रोडक्ट में जब तक आप टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो तब तक सेल बढ़नी बहुत मुश्किल है, और डे बाई डे डाउन ही होगी, क्योंकि टैक्स इतना 28% टैक्स कम थोड़ी होता है। और आइटमें हैं उसमें आप 12-18 कीजिए, इसमें कर दीजिए, पर जैसे गवर्नमेंट को सोचना है, पर वो हमारे तरीके से सोचती नहीं, उनके ऑफिसर्स अगर अपने हिसाब से सोचते हैं, जिसका फर्क सीधा व्यापारी वर्ग पर पड़ता है। इस बार तो सिर्फ एलईडी की आप बात कर रहे हैं कि 28 से 18 करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी भी तो काफी सस्ता हो रहा है। सर बैटरी सस्ता है, एक छोटा मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल बैटरी में एक छोटा सा पार्ट है, वो अगर सस्ता हो रहा है पर उसमें बाकी चीजों में क्या फर्क पड़ा है? खाली है कि बैटरी के, आप खुद सोचिए कि मोबाइल में केवल बैटरी ही है, 20,000-25,000 मोबाइल है, उसमें 500-700 की बैटरी है, उसी को सस्ता किया ना, बाकी मोबाइल भी तो सस्ता हो रहा है सर, कितना फर्क पड़ेगा आप खुद सोचिए, छोटा सा पार्ट सस्ता होना तो पूरा मोबाइल सस्ता नहीं होगा। हाँ उसकी एक्सेसरी में थोड़ा सा फर्क डला है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की और बहुत सारी आइटमें हैं जिसमें कोई फर्क नहीं डाला, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे एक बात बताइए, अगर मोबाइल में 20,000 का भी मिल रहा था अभी जस्ट 5 दिन पहले, अब वो जो ये डिस्काउंट होने के बाद अभी जो जीएसटी में जो हुआ छूट, जो भी आपका जो छूट हुआ है, उसके बाद कितना मिलेगा मोबाइल? अभी इसकी कोई कैलकुलेशन तो आई नहीं है प्रॉपर, और अभी हुआ भी नहीं सस्ता, क्या कैलकुलेशन बन गया कि कितना डिस्काउंट मिलेगा वो सारा सब लगा के तो अभी इसमें कहना मुश्किल है कितना सस्ता मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं बजट आया है लेकिन अमल कब होगा ये पता नहीं, बात की बात है, ये तो बाद में अमल होगा, कंपनीज करेंगी नहीं करेंगी तो बात की बात है, तो गवर्नमेंट ने तो कर दिया एक बार, अब क्या अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी फाइट करेंगे, आप लोग भी फाइट करेंगे कि इस पे कम कर, डेफिनेटली फाइट तो करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी हमारी फाइट तो शुरू से यही रहेगी, हमारा जो मेन यहाँ पे एलईडी टीवी जो बिकती है उनमें अगर करोगे तो सबसे ज्यादा फायदे की बात। बजट आया जो है, एक शब्द में पूछूंगा, क्या बेहतर है व्यापारियों के लिए या नहीं? व्यापारियों के लिए बेहतर नहीं है किसी कीमत पे। और भी लोगों से बात करते हैं, बजट तो है आया है, लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है लेकिन खुश नहीं है व्यापारी, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम कमल कालरा है, मैं न्यू लाटरमल के वॉचेस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। और बिजनेस हमारा वॉचेस पार्ट का ही है। वॉचेस में कुछ डिस्काउंट हुआ कि नहीं? सर कोई डिस्काउंट ड्यूटी ऊपर तो कोई डिस्काउंट नहीं, हम ये चाहते हैं कि कंपोनेंट के ऊपर ड्यूटी कम होनी चाहिए और कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा होनी चाहिए। जो कंपोनेंट आएंगे यहाँ फिर यहाँ बनेंगी वॉचेस बनेगी, उससे लेबर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये लोग एक ही ड्यूटी स्लैब देते हैं पार्ट के ऊपर भी और कंप्लीट के ऊपर भी, इनमें जब तक डिफरेंस नहीं होगा हमारी लेबर को वो नहीं मिलेगी, अब कुछ नहीं मिलेगा। हम ये चाह रहे हैं, बाकी तो हमारी लाइन में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, ड्यूटी वही है, सब कुछ वही है, अगर दोनों कंपोनेंट और कंप्लीट प्रोडक्ट में डिफरेंस आना चाहिए जिससे हम लोग यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं।
ये फर्क होना चाहिए हमारे लिए, बाकी हमारे लिए कोई फर्क नहीं। बजट में हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला, बेकार वाली बातें हैं। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का बनाया गया, गवर्नमेंट को बेनिफिट के लिए बनाया गया, आम जनता के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं आम जनता के लिए, आम जनता दुकानदार कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें क्या फायदा, अब हमने सीए से पूछा हमारे लिए क्या बात है, वो करें नुकसान नुकसान, कोई फायदा नहीं है। ये जो अपने बेनिफिट हुआ अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला कैपिटल गेन वाला, वो कितना जबरदस्त नुकसान है, नुकसान ही नुकसान बाकी है। हम तो बीजेपी के होते हुए हमें ये लग रहा है कि हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं, और हमारे ट्रेड में जब तक कंपोनेंट और कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ कौन बनाएगा। कंपोनेंट सस्ते होने चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट दोनों एक एक ही रेट हो जाएगा तो कैसे चलेगा। हमारे यहाँ तो एक ही ड्यूटी है, कंपोनेंट की भी वही है, कंप्लीट प्रोडक्ट की भी वही है, तो फिर क्यों कंप्लीट प्रोडक्ट मंगाएंगे, क्यों मंगाएंगे यहाँ से, यहाँ की लेबर खाली बैठ जाएगी, बैठी हुई है, वो दो डिफरेंस आते हैं। हम यही देख रहे हैं लगातार हम व्यापारियों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि साहब बजट तो आया है लेकिन व्यापारी इससे खुश नहीं है, क्यों क्यों नहीं खुश है, ये आपको लगातार हम सुना रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम नितिन गुप्ता है जी, मैं चेयरमैन ओला कलर मार्केट का। जी जी, एज ए व्यापारी जी हमें इस बजट में कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्या चीज शॉप है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैं हम लोग वीटेक नाम से स्पीकर और माइक्रोफोन बनाते हैं। एज ए व्यापारी हमें इस बजट में कोई बेनिफिट नहीं मिला है और इनकम टैक्स में भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है, बट जैसे बैंकिंग सेक्टर का भी सॉफ्ट किया गया है, लोन का प्रोसीजर जैसे काफ़ी सॉफ्ट किया गया है कि आजकल तो सभी काम बैंकिंग थ्रू हो रहा है तो उसको काफ़ी इजी किया गया है, बस उस बेनिफिट को हम कह सकते हैं कि हमारे फेवर में किया गया है व्यापारियों के। बाकी तो व्यापारियों को ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं है इस बजट से। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं सर, आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहन लाल गुप्ता है, मैं चेयरमैन हूँ न्यू लाइट पेट्रोल। सर शॉप क्या चीज़ का? ये मेरा शॉप वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक में कोई डिस्काउंट नहीं? कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है। व्यापारी जब बजट आना होता है, व्यापारी ही नहीं आम आदमी एक वेट कर रहा होता है कि मुझे शायद सरकार की तरफ से कुछ मिले, कुछ मिले हर बार हर साल, लेकिन इस बार का जो बजट है बहुत निराशाजनक है। पहले जो भी कैपिटल गेन होता था उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू होती थी, अब गवर्नमेंट ने वो इंडेक्सेशन वैल्यू ही खत्म कर दी। मतलब मेरे दादाजी ने या परदादाजी ने 100 साल पहले 80 साल पहले कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 लाख की खरीदी थी, आज अगर वो 1 करोड़ की हो गई तो मुझे 99 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। तो ये तो गवर्नमेंट की एक खुली लूट है एक तरीके से। मुझे राहत कहाँ मिली आप बताइए? चलिए आपके परदादा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आपने कोई 50 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, आज उसकी समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ गई, उस वक्त 500 रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज वो 50 लाख की प्रॉपर्टी हो गई मान लीजिए, तो आपको तो पूरा का पूरा टैक्स में ही निकल जाएगा। पहले इंडेक्सेशन वैल्यू थी, 2001 की वैल्यू फिक्स की हुई थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी इंडेक्सेशन चलता था, समय के साथ जो बढ़ रही है वैल्यू उसके हिसाब से टैक्स लगता था, तो वो टैक्स में हमें तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लुटाई है ना आम। अच्छा आप बताइए इस बजट में समझ आया आपके कुछ? ये गरीब आदमी यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी बजट से एक उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए शायद कोई रियायत हो, होकर भी सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई फायदा हो, तो मेरे ख्याल में किसी को कोई फायदा नहीं इस बार सरकार ने दिया, और सरकार ने गरीबों को देखा ही नहीं है, व्यापारियों को देखा ही नहीं है। व्यापारी जबकि दूध देने वाली गाय है सरकार के लिए, उसने तो देना ही देना है। जितना कम टैक्सेशन होगा, जितना कम स्लैब्स होंगे, व्यापारी उतना निष्ठा और प्रतिष्ठा से काम करेगा। अब 0.5% पर 1% पर तो हम माल बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट को हम दें 10-10, 20-20, 30-30, 40-40% तो कहाँ से देंगे आप बताइए, पॉसिबल है? चलिए हाँ, और भी व्यापारी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र अडवाणी है, मैं ओल्ड लाजपत का इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर शॉप क्या चीज़ की है? शॉप सर मेरा कार सीरीज वगैरह का है, कार सीरीज का हमारा अपना काम है। इस बार का जो बजट आया है कैसा है, वो आपके लिए बेहतर है या आम लोगों के लिए बेहतर है या बड़े सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बेहतर है? सर देखिए जो बजट आया है ना आज की डेट में आपको मैं बताता हूँ, आज भी कोई बंदा हमारे पास आता है और एलईडी मांगता है तो आते ही सीधा बोलता है कि अब तो एलईडी सस्ता हो गया होगा। जैसे हमारे प्रधान जी राजू नागपाल जी ने बोला कि 18% बहुत ज्यादा होता है। जो ग्राहक हमारा आता है हमारे पास आता है जो एक्सपेक्ट करके आता है कि शायद हमारा माल सस्ता हो गया होगा, लेकिन नहीं, हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिला, आज भी 28% है। और ग्राहक जो हमारे से बोलता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलीफ मिला है, हम बोलते हैं कहाँ से रिलीफ मिला है, आज भी 28% है और 28% आपको देना पड़ेगा। जब 28% वो बंदा देता है तो उसका एलईडी बहुत हाई रेट पे पहुंच जाता है जिससे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमारी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर जहाँ से भी कितना ग्राहक आता है बहुत एक्सपेक्ट करके आता है कि हमारे को यहाँ पर बहुत अच्छा माल और सस्ता माल मिलेगा, लेकिन सर सॉरी टू से कि हमारे को कोई ज्यादा इतना रिलीफ मिला नहीं है जो हम सोच रहे थे
और आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जो ये हमारा 28% का मुद्दा और 18% का मुद्दा है, इसको 28 को 18 किया जाए ताकि हम अपने ग्राहकों को सस्ती चीज दे सकें ताकि वो हमारे से माल ले। बजट आया, दुकानदार खुश नहीं है, लगातार परेशान है, आम लोग तो परेशान है ही, क्योंकि ये जब महंगा देंगे तो ग्राहकों को भी महंगा ही मिलेगा, सस्ता तो मिलेगा नहीं। इस बार के बजट में जो आम ग्राहक हैं रिटेल, उनको कुछ फायदा होने वाला है आपके द्वारा? देखिए जी, अगर सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी ठीक होगी तो प्रोडक्ट भी सस्ता मिलेगा। जब जीएसटी लागू किया गया था तो ये कमिटमेंट की गई थी कि जीएसटी का रिवेन्यू बढ़ेगा, सरकार टैक्स घटाएगी। पिछले वर्ष में लगातार हर महीने जीएसटी का रिवेन्यू रेट बढ़ा है और सरकार 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक रिवेन्यू ले गई, तो 60 लाख रिवेन्यू था हमारा। डबल से भी ऊपर ले जाने के बाद भी टैक्सेशन में कहीं भी रिबेट नहीं दी गई। आखिर उस दुकानदार का, उस व्यापारी का जिसने इतना रिवेन्यू क्रिएट करके दिया, उसको क्या मिला इसमें? रिवेन्यू तो बिजनेस ने क्रिएट करके दिया, प्रोडक्ट बेचने वालों ने क्रिएट करके दिया। सरकार बेरोजगारी से तंग है, हर दुकानदार 5, 7, 10 कर्मचारियों को नौकरी देकर बेरोजगारी दूर करने का कार्य करता है, लेकिन उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा उसके ऊपर और वजन डाल के मजबूर किया जाता है कि वो बेरोजगारी को बढ़ाए और रोजगार के लोगों को निकाले। अगर सरकार चाहती है कि व्यापारी वर्ग हंसे और फले फूले, तो उसके लिए सरकार को टैक्सेशन पॉलिसी पे दोबारा से रिकंसीडर करना पड़ेगा। सर, जब अभी जो बजट पेश हुआ उस दौरान उन्होंने, सीतारमन जी ने, उन्होंने कहा कि जीएसटी आने से तो दुकानदार यानी बड़े बड़े व्यापारी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जीएसटी से बेनिफिट हुआ है, इंटरस्टेट व्यापार बढ़ा है, हम ये नहीं कह रहे नहीं बढ़ा, लेकिन जो कमिटमेंट सरकार ने पहले दिन से हमारे से करी थी कि हम ये रिवेन्यू को लगातार फोकस करेंगे, अगर आप हमारे को रिवेन्यू बढ़ाकर देंगे तो हम इसमें रिकंसिडरेशन करेंगे। रिवेन्यू तो बढ़ा, पिछले साल से डबल से ऊपर रिवेन्यू पहुंच गया, लेकिन सरकार ने टैक्सेशन में रिबेट दी नहीं बिल्कुल भी। जो कमिटमेंट था उनका कि 28 है उसको भी रिकंसिडर करेंगे, जिसमें 18 है उसको भी रिकंसिडर करेंगे, आज वन देश वन टैक्सेशन की बात हुई, लेकिन आज भी टैक्सेशन के 4 स्लैब बना रखे हैं आपने, कहीं भी कंप्रोमाइजिंग लेवल नहीं है। आपने जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी टैक्स नहीं घटाया, यानी जिस ट्रेड ने भी रिवेन्यू बढ़ाकर दिया, आपने उस ट्रेड पे भी कंसिडर नहीं करा कि इनका रिवेन्यू घटाना चाहिए। जब तक रिवेन्यू नहीं घटेगा प्रोडक्ट सस्ता नहीं होगा, प्रोडक्ट सस्ता नहीं होगा तो मार्केट में वैल्यू उसकी बढ़ेगी नहीं। चलिए लास्ट में एक सवाल लेते जाते हैं कि आम ग्राहक, सिंपल से अगर शब्दों में समझे, 20,000 का मोबाइल अगर लेते हैं तो उनको अब जो जीएसटी में अभी जो डिस्काउंट हुआ है, जो जीएसटी बजट में जो बताया गया है कि छूट मिलेगा इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट का जो टैक्स लगता है उसमें, तो उसमें कितना फायदा आम ग्राहक को मिलेगा, इसको लेकर हम बात करते हैं। संजय जी, हम दोबारा एक सवाल, नॉर्मल सा, 20,000 का मोबाइल कोई भी ग्राहक लेता है, हम लेते हैं, तो अब वो कितने में मिलेगा? क्योंकि अभी तो पता नहीं है, सिर्फ बजट पेश हुआ है, कब उस पे अमल होगा, कब आप डिस्काउंट दोगे, लेकिन एक नॉर्मली अगर गांव ग्राहक समझना चाहते हैं 20,000 का मोबाइल ये बजट पेश होने के बाद कितने सस्ता में मिलेगा? 20,000 का मोबाइल जो बाहर से आता था, पहले उसको 4% उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी थी, अब 15% घट के हो गई, 3,000 पे 1,000 पे सस्ता हो गया, सिर्फ 1,000 सस्ता हुआ, और वो भी जो इम्पोर्ट होके आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है उसके ऊपर अभी देखा जाएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो रही है, उसके पार्ट्स किस हिसाब से आ रहे हैं, अगर पार्ट्स उसके 18% पे आ रहे हैं तो वो तो वैसे के वैसे रहे, और इधर इम्पोर्ट वाला 3% उल्टा डिफरेंस पे आ गया, इट विल, मतलब हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें, जो इम्पोर्ट होगा वो बट नेचुरल है, वो सस्ता होगा, पहले 20% था, 4,000 की जगह 3,000, माइनस डिफरेंस 1,000 पे 1,000। बाकी और भी आइटम्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एज इट इज है सर, कोई चेंज नहीं है सर, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं है सर, ना कस्टम ड्यूटी में चेंज है और ना ही उसके अंदर जीएसटी में चेंज है, एज इट इज है। संजय जी, हम नॉर्मली लास्ट सवाल आपका ये है कि आपने बताया कि अगर 20,000 का मोबाइल बाहर से आता है तो 1,000 सस्ता ग्राहक को 19,000 में मिलेगा, लेकिन अगर अपने इंडिया की बात करें, अगर यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जो कस्टम ड्यूटी 20% थी सर, उसको 15% कर दिया गया। अगर हम हायर मोबाइल्स की बात करें तो जो हायर मोबाइल्स हैं उसके अंदर जो लेने वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मीडियम वर्ग वाला या जो नीचे स्तर वाला है, हम 20,000 के मोबाइल की बात करते हैं, उसकी बेसिक बात यह है कि पहले वो 4,000 पे अगर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पड़ती तो वो 3,000 पड़ेगी, 1,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि जीएसटी वही का वही है, तो इसलिए उसके ऊपर 1,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। नॉर्मली अगर लोकल मोबाइल की, जो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है, उसकी बात करें तो कैसे? सर लोकल चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ भी है, क्योंकि अगर इन्होंने कस्टम ड्यूटी अगर चेंज की है तो चाहे हम पार्ट्स यहाँ पे मंगा रहे हैं या फिनिश गुड मंगा रहे हैं, तो बेसिक ड्यूटी सेम है। सेम है, हाँ जी, तो सस्ता मिलेगा लोगों को? सस्ता 1,000, अगर हम जिस हिसाब से ड्यूटी कम की है उस हिसाब से 1,000 रुपये सस्ता। बाकी हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और भी है यहाँ पे, उस पर कितना राउंड फिगर लोगों को फायदा मिलेगा? सर नो चेंज, क्योंकि जीएसटी 18% थी,
18% है। बेसिक ड्यूटी जो पहले थी इलेक्ट्रॉनिक्स की वही थी, वही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर लेते। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के चांदनी चौक के ये लाजपत राय मार्केट, जो एशिया के बड़े मार्केट पुरानी मार्केटों में से एक है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में शॉप है और लाखों की संख्या में लोग रोजगार करते हैं। तो इस बार का जो GST है उस पर कोई खासा असर इन व्यापारियों पर दिखता हुआ नहीं, जो असर होना चाहिए था कि जो डिस्काउंट आने वाला था कि लोगों को लगा कि बहुत ही फायदा होने वाला है अगर इनके GST यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, इम्पोर्ट जो टैक्स लगता था उसमें कमी हुई है, लेकिन उससे कोई खास फर्क आम जनता को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जहां तक व्यापारियों की बात करें, इनकी लगातार मांग है कि जो LED की बात करते हैं, जो जो 32 इंच के ऊपर का जितने भी LED का जो है उस पे 28% का GST लगता है, और नीचे जो 32 इंच के नीचे का LED है उस पे 18% तक। इन लोगों की मांग है कि दोनों को एक ही स्लैब में डाल देना चाहिए ताकि जो आम ग्राहक है जो उनको सस्ता LED भी मिल पाए। और मोबाइल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ 1000 रुपया सस्ता की बात की है, लेकिन ये सब सस्ता कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बजट पेश करना और अमल करना अलग बात है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.